माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक में शेयर आपसे करना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खास करके यंगेस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसका क्या है, हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये तमाम के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करूं, थोड़ा सा मैं कल्चर पर बात करता हूं कि ये किस कल्चर से है। अरेंज मैरिज जो है सिर्फ हमारे इंडिया और पाकिस्तान में, जो एशिया में ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लव मैरिज जो है यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में वहां पर है। लेकिन हमारे में एक और कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है जब अरेंज मैरिज की जाती है। लेकिन मैं ज्यादा बात करना चाहता हूँ अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज क्या बेहतर है। लव मैरिज की जब हम बात करते हैं और अरेंज मैरिज जो है ना, पहले वक्तों में क्या होता था, पेरेंट्स जो है सिलेक्ट करते थे, लड़की को देख लेते थे, लड़के को उसके पेरेंट्स देख लेते थे, दोनों आपस में बात कर लेते थे, डी शादी कर दो। ना लड़की को पता होता था वो कौन लड़का है, ना लड़के को, ना पिक्चर का कंसेप्ट होता था, ना किसी और चीज का। लेकिन यह है कि अरेंज मैरिज है, उसी दिन फर्स्ट नाइट को उन्होंने देखना है कि ये दुल्हन है मेरी और उसने देखनी है मेरा दूल्हा है। फिर वैसे जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी का पहचान जो है उस पर खुद ही बनाना होता था कि कैसे है। जिंदगी गुजरती थी, चल रहा था। हमारी कंट्रीज में भी सब चौक पे लव मैरिज का कंसेप्ट आया। जब पाकिस्तान में आया लोगों ने इसको अप्लाई किया, खास करके आज की यूथ जो है, जनरेशन जो है, वो टीनेज में ही होते हैं तो उनको लव मैरिज का पड़ जाता है। ये मेरी लाइफ का सर चश्मा है, ये मुझे पसंद है भाई। ये ज्यादा बाहड़ में अब ना घर वालों को, जिनके साथ इतने साल आपने गुजारे हैं उनको भूल जाते हैं। वो दो चार दिन के लिए वो लड़का आपकी नजर में आता है, आप कहते हैं सब कुछ मेरा यही है। वो पता नहीं क्या फार्मूला ऐसा देता है, क्या प्यार का ऐसा उसको कुछ पिला देता है जो लड़की ये कहती है। और ऐसे ही लड़का भी कहता मैंने तो शादी इसी से कर दी, लव मैरिज हो गई है। पर लव मैरिज क्या है आजकल? लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ हम जो है सेक्सुअल चीजें को देखते हैं, हमारा सिर्फ सेक्सुअल तक ज्यादा है। ब्यूटी को देखते हैं, पार्ट्स को देखते हैं, हम कहते हैं लव मैरिज हो गई है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ ऐसे हमारे हीरोज थे या ऐसे कुछ लोग कहानियां थी, ही राजा शशि पुनू, या हम देखते हैं श्री प्रयाग, या ऐसे और हम बाहर रूप में देते हैं रोमियो जूलियस, उनकी जब हम कहानी देखते हैं उन्होंने भी लव किया। लेकिन दे आर लव स्पिरिचुअल लव, हम स्पिरिचुअल लव को भूल जाते हैं, हम फिजिकल लव को पेश करते हैं कि फिजिकल होना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं, लड़के और लड़कियां इतने नजदीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा होता है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं या वैसे भी किसी को मिल लेते हैं, हमें कहते हैं प्यार हो गया। फिर प्यार क्यों था? कई दफा तो ऐसा भी होता है घर से भागने की कोशिश करते हैं और शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या कुछ भी। लीजिए ये गलत है। लव मैरिज अगर आपने करनी है, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ लव मैरिज करने का। अगर लव मैरिज अगर करनी है तो मेरा ख्याल है कि आप जिस भी लड़के को पसंद करते हैं और लड़की जिस लड़के को पसंद करती है और लड़का जिस लड़की को पसंद करता है, अपने पेरेंट्स से बात करें, ताकि बात करें। आजकल बहुत मॉडर्न माहौल हो गया, देखते हैं हम, जानते हैं, आप उस पर बात की जा सकती है। देखिए अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शादी जो है एक बंधन है, एक रिश्ता है, एक कमिटमेंट है, एक एग्रीमेंट है। कोई ये नहीं तो 2 महीने रहो तो भी छोड़ दिया, बस एंजॉयमेंट हो गया, शादी मेरा लव भी पूरा हो गया है तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। ये लॉन्ग लाइफ है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ आपने गुजारनी है लाइफ। लेकिन लव मैरिज में एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, कुछ टिप्स है, या फिर बाद में आप इसको अगर पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें कि ये जो है, अगर लड़की, मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई लड़का पसंद आ जाए तो उसको शेयर करें अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, अगर पेरेंट्स के साथ आप कर सकते हैं तो मुझे पसंद है। पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन लड़कियां आपको पसंद तो आया है, अच्छा है, स्मार्ट है, क्या आपको ये पता है वो कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है,
क्या है नहीं पता। आप कैसे लव की बात करते हैं, आपको सिर्फ उसके प्यार भरे अल्फाज नजर आ रहे हैं? ऐसे नहीं। आपको क्या पता उसकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, उसकी बात करने का अंदाज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है? नहीं पता। मैं दिल से कहता हूं जरूर ये देखें कि जिस शख्स से आप प्यार कर रहे हैं क्या वो आपसे मुखलिस है, फेयरफुल है, क्या आप उम्मीद रखती हैं कि आपको लाइफ के आखिर तक आपके साथ खुश रह सकती हैं आप उसके साथ, या आपको खुश रखेगा, ये जरूर देखें। मैं ये कहता हूं कि जो लड़की इस चीज को देखती है कि उसकी लाइफ क्या है, वो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किन दोस्तों में बैठता है, कैसे मुआशरे में रहता है, ये देखें। अपने पेरेंट्स से बात करें, वो जरूर इसका हल करेंगे। और आपके साथ देखिए प्यार करना जरूरी है, अच्छा भी है, प्यार जरूर करें। अगर आपकी कमिटमेंट है उसके साथ, अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्या आपको ये भी पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है? अगर बैकग्राउंड चलो जो भी है, बैकग्राउंड जो भी है उसको भी छोड़ दो, क्या वो आपके साथ मुखलिस है? वो कैसे हम देख सकते हैं? मुखलिस देखने का सही जो है वो है आपकी कमिटमेंट, आपका प्यार, आपके साथ कितनी वफादारी दिखाता है, कितना आपके साथ क्लोज है, कितना आपके साथ वो बातचीत में शेयरिंग करता है, कितनी आपको अंडरस्टैंड करता है। ये नहीं कि जो वो कहे सब बातें अगर वो मनवाता है आपकी तो लव मैरिज नहीं है, ये लव नहीं है। अगर आपकी वो सुनता है तो फिर सही है। अभी मैं वॉइस से बात कर रहा हूं, वॉइस आपसे ना जरूर इसको देखें। वॉइस अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है या कहती मैं आप मुझे आपसे लव हो गया या कुछ भी, आप भी जरूर अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई से या जिससे भी आप करना चाहते हैं, फ्रेंड से या जो आपकी कजन है या कोई भी, या कोई आप उससे बात करें जो आपके लिए कर सकता है। मैं समझता हूं अगर वो कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि आप भी उस लड़की के बारे में जान सकेंगे वो लड़की कैसी है। अगर वो आपके साथ मुखलिस होगी लड़की, फेयरफुल होगी, और वो कभी भी आपके साथ जो बातें करेगी ना वो जरूर आपकी बात को कभी भी टालेगी, आपके साथ हमेशा फेयरफुल रहेगी, और आप उस चीज को देखेंगे कि हाँ यार ये मेरे साथ फेयरफुल है। वो आपकी लाइफ में एक अच्छा आपके साथ अच्छा फ्रेंड बन सकती है, अच्छे तरीके से जा सकती है। मैं समझता हूँ लव मैरिज जो है मेरे ख्याल में इज द बेटर। अरेंज मैरिज ठीक है, लव करके अरेंज करने बेहतर रहेंगे। अगर भाग कर ना करें, गर्ल्स खास कर मैं आपको कहता हूं, लड़के जितने भी करो भाग जाते हैं, भागने की कोशिश ना करें। जो पेरेंट्स कहते हैं वो ज्यादा जानते हैं, एक्सपीरियंस से होगा, उनकी बात सुनो, उनकी बात अगर वो कुछ कहते हैं तब सुनो। बेशक आपको प्यार हो गया या आपने कमिटमेंट कर दी है, आपने वफादारी एक दूसरे के साथ करती है, तो ऐसा ना करें, भागने की कोशिश ना करें। मैं जानता हूं माशरे को, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी लड़कियां भाग कर शादी है, रोजाना न्यूज पेपर में मिलता है, न्यूज में मिलता है, वैसे हम सुनते हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसी शादी करती हैं, मिसयूज होती है, ऐसा ना करें। आपको नहीं पता कि उसकी एक शादी तो कर ली है, शायद दूसरी कोई और भी लड़की हो उसके साथ भी हो, लेकिन आप देखें कि आपकी एक लड़की की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक लड़की की रिस्पेक्ट को नहीं जानता वो वफादार आपके साथ नहीं है। सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट करता है? जो आपको सुनता है, आपके मुताबिक अमल करता है, जो कभी आपके साथ ये नहीं कि अपनी मर्जी को करे, नहीं नहीं आज वहां जाना है क्या करना है, ऐसा नहीं, जो आपको सुन लेता है वो आपके साथ मुखलिस है। मैं समझता हूँ तमाम पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा, तमाम गर्ल्स को भी, तमाम बॉयज को भी, लव मैरिज करें लेकिन लव टू अरेंज मैरिज में आ जाए, एक दूसरे से बात करें, शेयरिंग करें, आपके पेरेंट्स को आपके घर वालों को पता होना चाहिए, फिर आप करें तो मेरा ख्याल है कि वो फेयरफुल होगी, फ्रूटफुल होगी, और यू वंडरफुल, यू अचीव योर गोल इन योर सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, एंड यू ऑल्सो अचीव सक्सेस इन योर लाइफ ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आप सबके लिए है ये छोटी सी एक वीडियो मैंने तैयार करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि आपको जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि लव मैरिज को अच्छे तरीके समझें और अरेंज मैरिज को। थैंक यू सो मच। Thank you.